जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम उमैर है, अपनी दुकान आदल इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से है। ये शहर नाड़ वाले अड्डे में लोकेटेड है, धोबी घाट के सामने। नाड़वाला चौक बोलते हैं इसको फैसलाबाद में। अगर किसी भाई ने शॉप के ऊपर आना है, विजिट करना है, मोस्ट वेलकम शॉप बिस्मिल्लाह, जब मर्जी आए, लेकिन फ़ोन कॉल करके आए और अपना ऑर्डर कन्फर्म करके आए। जिस भाई ने घर बैठे चीज़ें मंगवानी है, तो हम पूरे पाकिस्तान के हर शहर में डिलीवरी करते हैं और पूरे पाकिस्तान के हर शहर में कैश ऑन डिलीवरी भी करते हैं। हमारे पास हर चीज़ मौजूद होती है। हम कस्टमर के ऑर्डर के ऊपर चीज़ें तैयार करते हैं, पूरे पाकिस्तान के हर शहर में डिलीवर करते हैं। हमारे पास स्टेबलाइज़र, UPS, साइनवेव UPS, सोलर इन्वर्टर, सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर और बग़ैर बैटरी चलने वाले इन्वर्टर के अलावा सर्वो मोटर स्टेबलाइज़र और पूरे घर के जो हैवी स्टेबलाइज़र वगैरह होते हैं, मेन लाइन सप्लाई, ऐसे की चीज़ें होती हैं। आप जो भी आपको चीज़ चाहिए, आप 03037742123 इस नंबर के ऊपर हमारा कैटलॉग लगा हुआ है, उसमें A to Z जो चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं सारी कैटलॉग में लगी हुई हैं। आज की इस वीडियो के अंदर आपको सिमटेक के 100 एम्पीयर वाले कंट्रोलर का रिव्यू करवाया जाएगा, जिसकी PV वोल्टेज कंपनी ने 150 कर दी है और इसकी जो एफिशिएंसी है और पावर है मज़ीद अच्छी कर दी है। ये वही मॉडल है जो 80 एम्पीयर में आता था DC लोड वाला, लेकिन कंपनी ने इसको मज़ीद इन्हेंस कर दिया है और इसकी पावर बूस्ट करके 100 एम्पीयर तक ले गए हैं। जो भाई अपने ज़्यादा पैनल लगाते थे, वो धूप होती थी, तीन तीन पैनल उन्होंने सीरीज में लगाए होते थे ना, तो जब बारिश होती थी, प्लेटें ज़रा साफ़ होती थी, तो PV वोल्टेज, ये हाई वोल्टेज का अलार्म देना शुरू कर देता था, क्योंकि जब प्लेट साफ़ होती है, प्लेट के वोल्टेज ज़्यादा हो जाते हैं। तो उसी 5-6 वोल्टेज को कंपनी ने कवर किया है, 145 वोल्ट की जगह अब आपको 150 इसकी PV मिलेगी एक्यूरेट। और इसको यूनिट को मैंने एक टेस्टिंग के ऊपर भी लगाया हुआ है, जिसका लाइव डेमो आपको दिखाने लगा हूँ। 24 वोल्ट डबल बैटरी के ऊपर मैंने इसको लगाया है। हमारे पास एक कस्टमर आए थे, उन्होंने बोला कि 24 वोल्ट डबल बैटरी के ऊपर इस कंट्रोलर को किसी यूट्यूबर ने, किसी बंदे ने नहीं डाला हुआ। तो मैंने कोशिश की कि चलो, मैंने उनसे बोला था कि मैंने नया मॉडल आ रहा है, तो मैं उसको 24 वोल्ट के ऊपर डबल बैटरी के ऊपर लगा के टेस्ट करवाऊँगा और उसका प्रैक्टिकली ये आप चेक करें। इधर आए जी। अगर किसी ने अपने घर की दीवारों को, अपने TV लॉन्च को खूबसूरत बनाना है, किचन को खूबसूरत बनाना है, तो मैं रिकमेंड करता हूँ मॉडर्न अरेबिक कैलीग्राफी। इसमें कैनवस, ये जो मटेरियल इस्तेमाल करते हैं वो बड़ा VIP इस्तेमाल होता है। इनकी वर्ल्ड वाइड शिपिंग है और कैश ऑन डिलीवरी भी पूरे पाकिस्तान में है। इनका इंस्टाग्राम का पेज भी है और प्रॉपर व्हाट्सएप का कैटलॉग भी है। आपने किसी भी भाई ने अपने घर को खूबसूरत बनाना है, अपनी दीवारों को खूबसूरत बनाना है, तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि मॉडर्न अरेबिक कैलीग्राफी, इनसे आप अपनी पेंटिंग्स मंगवा सकते हैं, अपने किचन को, अपने होम को, अपने TV लॉन्च को डेकोर कर सकते हैं और पूरे पाकिस्तान में घर बैठे, पूरी दुनिया में घर बैठे पेंटिंग्स मंगवा सकते हैं। आपके अपने पसंद की, आपके अपने साइज़ की, आपकी अपनी मर्जी की पेंटिंग्स ये तैयार करके देते हैं और वर्ल्ड वाइड इनकी शिपिंग मौजूद है। ये मैंने सारा सेटअप लगाया, डबल बैटरी, 2 बैटरी वाला यूनिट है ये। ये देखें, इसकी मैं सबसे पहले इसको डिसकनेक्ट करता हूँ, इसकी LCD ऑफ हो जाएगी। LCD ऑफ होने के बाद सेम वही फंक्शन है, इधर मैंने सोलर की तारें लगाई हुई हैं और ये मैंने बैटरी की 2 तारें लगाई हुई हैं, DC और आउटपुट जो अपनी अपनी वापडा है वो मैंने नहीं लगाई हुई, DC आउटपुट भी मैंने नहीं लगाई। अब इसको मैं कनेक्ट करने लगा हूँ बैटरी से, ये मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। इसको स्पार्किंग होती है थोड़ी सी, लेकिन खैर है। ये बताता है जी MPPT सोलर है, सेंसिंग बैटरी वोल्टेज, एरर दे रहा है कि PV नॉट कनेक्टेड, मतलब सोलर ऑन नहीं किया। ये मैंने इसका मैं सोलर ऑन करता हूँ, साथ में एम्पेयर मीटर के थ्रू आपको चेक करवा देता हूँ कि ये परफॉर्मेंस कितनी बूस्ट कर रहा है। अभी इधर 0 है, मैंने सोलर के 145 वोल्टेज इसको पूरे दिए हैं, तकरीबन राउंड अबाउट 24 वोल्ट के ऊपर ये चार्जिंग मोड है। 148-147 मैंने सोलर के वोल्टेज इसको मैंने प्रोवाइड कर दिए। ये देखें, आपने ऊपर देखें 139-140 वोल्टेज दे दिए हैं और ये चार्जिंग इसने स्टार्ट कर दिया। इस टाइम ये 24 वोल्ट के ऊपर 12 एम्पीयर तक, 13 एम्पीयर, 14 एम्पीयर तक ये चला गया, क्योंकि मेरी बैटरी इस टाइम फुल है और मेरे पास जो पीछे से एम्पेयर आ रहे हैं ना, 2 एम्पेयर 3 एम्पेयर आ रहे हैं। ये देखें, 2 एम्पेयर 3 एम्पेयर आ रहे हैं, उसको ये बूस्ट करके 7-8-10 के ऊपर लेके जा रहा है। बैटरियाँ इस टाइम क्योंकि फुल हो चुकी हैं, इसकी वजह से ये इसके एम्पेयर डाउन है, लेकिन मैंने खाली बैटरियों के ऊपर चेक किया है, बिल्कुल 0 करके बैटरियों के ऊपर चेक किया है। देखें 6 है ना, सोलर से करंट आ रहा है,
एक दो अम्पेयर, ये देखें आप चेक करें, दो अम्पेयर आप काउंट करें, दो अम्पेयर आ रहे हैं उसको, ये छः सात अम्पेयर के ऊपर लेके जा रहा है। मैंने इसको प्रॉपर, ये देखें बैटरी फुल है मेरी, ठीक है, बैटरी इस टाइम 2900 के ऊपर है, सोलर मोड बैटरी फुल कर दी गई है, सोलर के 1.5 एम्पीयर आ रहे हैं और उसको 6 एम्पीयर के ऊपर बना रहे हैं। बैटरी के वोल्टेज 2900 है, 136 वोल्ट है, सोलर के आउटपुट के जो है पीवी अपनी वो हो चुकी है, डीसी लोड अपना वही है। इसकी सेटिंग भी चेक कर लें आप, सेटिंग में कोई डिफरेंस खास नहीं किया मैंने, चेक की है सेटिंग, ये सेंटर एंटर को प्रेस करके रखेंगे, ये चला गया सेटिंग में, मेन्यू में, इसमें ये बता रहा है सेट बैटरी फुल वोल्टेज 2900 के ऊपर कंपनी ने डिफ़ॉल्ट सेट किए हैं, इसको छेड़ा नहीं है मैंने, ये ओरिजिनल सेटिंग आपको दिखा रहा हूँ। सेट फ्लोट चार्जिंग है कि 27.6 कि जब बैटरी फुल हो जाए उसके बाद 27.6 तक बैटरी की ग्रेविटी बनती रहे। आगे है जी सेट बैक टू सोलर के, सेट बैक टू सोलर कितने के ऊपर जाए, ये 28 वोल्टेज के ऊपर है, सेम वही सेटिंग है जो 80 एम्पीयर की थी, और सेट बैक टू हाइब्रिड की भी सेटिंग उन्होंने चेंज नहीं की, 23 वोल्टेज के ऊपर ही है। उसके आगे सेट डीसी लोड ऑफ, क्योंकि ये इसको मैंने चेक किया है, ये 12 वोल्ट के ऊपर 12 वोल्ट आउटपुट देता है, 24 वोल्ट के ऊपर 24 वोल्ट आउटपुट देता है, ऐसा नहीं करता कि 24 वोल्ट के ऊपर 12 वोल्ट ये कन्वर्ट नहीं करता, जितना जो अगर आप इसको डबल बैटरी लगा रहे हैं तो ये आउटपुट आपको 12 वोल्ट नहीं देगा, 24 वोल्ट देगा, अगर आपको इसको सिंगल बैटरी लगा रहे हैं तो ये 12 वोल्ट आउटपुट देगा और 24 वोल्ट के ऊपर 24 वोल्ट आउटपुट देगा। ये बता रहा है कि सेट डीसी लोड ऑन के कब होना चाहिए, मैं इसको कोशिश करता हूँ कि आपको सिंगल बैटरी के ऊपर भी लगा के चेक करवा देता हूँ। ये 24 वोल्ट की आप सेटिंग देख लें, ठीक है जी, आपने करना है ओके, ये सेटिंग अपडेट है, मैं इसको अभी सिंगल बैटरी के ऊपर भी लगा के आपको चेक करवा देता हूँ कि इसकी क्या परफॉर्मेंस है, बल्कि मैं इधर लगा ही देता हूँ आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखें जी, मैंने इसको ख़त्म किया है, डिसकनेक्ट कर दिया इसको, ठीक है, और 12 वोल्ट के ऊपर मैं इसको ये सिंगल एक बैटरी के ऊपर कनेक्ट करने लगा हूँ। ये मैंने इस टाइम इसको सिंगल बैटरी पे कनेक्ट कर दिया, ये 12 वोल्ट 24 वोल्ट ऑटोमेटिक है, अभी ये ऑन होएगा, ये देखें चेक करें, 12 वोल्ट के ऊपर भी परफॉर्मेंस आप चेक कर लें, साथ ही मैं आपको परफॉर्मेंस भी दिखा देता हूँ कि ये 12 वोल्ट के ऊपर इसकी क्या परफॉर्मेंस है। अब ये देखें जी, ये मैं इसको ऑन करता हूँ, ये इस टाइम 13-14 एम्पीयर के ऊपर जा रहा है, 13-14 एम्पीयर के ऊपर जा रहा है, और पीछे से जो करंट आ रहा है वो 1-2 एम्पीयर वही, यानी कि सेम परफॉर्मेंस है, 2 एम्पेयर आ रहे हैं, उसको सिंगल बैटरी के ऊपर भी डबल कर रहा है, ये देखें 6-7-8 के ऊपर रह गया, क्योंकि मेरी बैटरी इस टाइम फुल है, डाउन नहीं है, ये देखें 14 अभी 136 वोल्ट दिए हुए हैं, 14.6 के ऊपर है मेरी बैटरी, इस टाइम ठीक ठाक फुल है। 12 वोल्ट की सेटिंग भी आप चेक कर लें, ये इसके ऊपर तो नहीं कोई फ़र्क कोई महसूस तो नहीं, ये आप चेक कर लें 12 वोल्ट की सेटिंग में, ये देखें ये सेटिंग में आ गया है मेन्यू में, और ये मेन्यू में आने के बाद हमें बता रहा है जी कि 14.6 टाइम बैटरी के फुल के वैल्यू है, 13.8 फ्लोट की है, और बैक टू सोलर 14 वोल्ट है, और हाइब्रिड बैक टू यूटिलिटी जो है वो 11.5 वोल्टेज है, डीसी लोड ऑफ होना चाहिए 10 वोल्ट के ऊपर, ऑन होना चाहिए 11.5 वोल्ट के ऊपर, 10.5 वोल्ट के ऊपर इसकी लो बैटरी का अलार्म है, अलार्म ऑन करना है ऑफ करना है सारा उन्होंने बताया हुआ है, ठीक है जी। यानी ये तकरीबन 80 एम्पेयर वाला ही यूनिट है, और उसको कंपनी ने अपडेट कर दिया है 100 एम्पेयर के ऊपर, मजीद परफॉर्मेंस अच्छी कर दी है, 24 वोल्ट के ऊपर भी आपको चेक करवा दिया है, 12 वोल्ट के ऊपर भी आपको चेक करवा दी। अब ये टेस्टिंग की वीडियो आपने चेक कर ली है, अगर किसी भाई का बजट थोड़ा है, मतलब वो इसको अफोर्ड नहीं करता, कई भाई हैं इसको अफोर्ड करते हैं, ये महंगा कंट्रोलर है लेकिन पाकिस्तान का सबसे अच्छा कंट्रोलर है, बेहतरीन परफॉर्मेंस है, अगर किसी भाई का बजट थोड़ा है, मतलब उसकी रेंज में नहीं आ रहा, तो इसी जैसी सेम ऐसी की परफॉर्मेंस हमारे पास भी मौजूद है, ये कंट्रोलर भी सेम एडजस्टेबल वाला है, सही है, और 60 एम्पीयर में पावर है, 145 वोल्ट पीवी है, 12 वोल्ट 24 वोल्ट ऑटो है, अगर किसी भाई ने ये लेना है तो ये रीजनेबल प्राइस में मिल जाएगा, नहीं तो अपने पास सिमटेक भी होते हैं। बाकी रह गया जी फ्रिज का स्टेबलाइजर आपको मिल जाएगा, अगर किसी के पास सोलर इन्वर्टर किसी को चाहिए बगैर बैटरी से चलने वाला, थोड़े प्लेटों से जो चालू हो, 2-3 प्लेटों से, 550 वाली 2-3 प्लेटों से चालू हो, वो भी हमारे पास होता है बगैर बैटरी के सोलर इन्वर्टर। फ्रिज का स्टेबलाइजर ये लगा हुआ है, और इसमें आपको अगर किसी को बैटरी वाला साइन वेव हाइब्रिड सिस्टम चाहिए, जैसे चाइना का होमेज इनवरेक्स वगैरह के यूपीएस होते हैं, ऐसे का हमारे पास भी होता है, हम भी तैयार करते हैं, कॉपर वाइंडिंग में अच्छा मटीरियल तैयार करते हैं, तो ये भी आपको मिल जाएगा। अगर किसी ने एसी मोटर वगैरह, फ्रिज, ओवन, पंखे भरा लोड चलाना है, तो ये बगैर बैटरी वाला 5 किलोवाट का ये भी आपको यूनिट मिल जाएगा, इसके साथ आपकी 550 की 7-8 प्लेटें लगती हैं, और ये दिने दिने का निज़ाम है, अगर किसी ने दिन रात वाला सिस्टम करना है तो हम वो भी बनाते हैं जो बैटरी के साथ चलने वाले हैं, 48 वोल्ट, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 36 वोल्ट, 48 वोल्ट, एक बैटरी वाला, दो बैटरी वाला, तीन बैटरी वाला, चार बैटरी वाला,
सोलर हाइब्रिड हमारे पास साइन वेव होते हैं, सर्वो मोटर वाले स्टेबलाइजर आपको मिल जाएंगे, एमपीपीटी मिल जाएंगे, पूरे घर की लोड को चलाने के लिए मेन लाइन सप्लाइयाँ मिल जाएंगी, और भी काफ़ी चीज़ें अपने पास होती हैं। हम पूरे पाकिस्तान के हर शहर में कैश ऑन डिलीवरी भी हमारी सहूलत मौजूद है, पूरे पाकिस्तान के हर शहर में हम माल भेज सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करें, प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है, इसलिए आप 03037421 व्हाट्सएप के ऊपर तशरीफ़ लाएँ, ये हमारा अपना नंबर है, जितने भी अकाउंट्स हैं वो अपने नाम के ऊपर ही हैं, आदल इलेक्ट्रॉनिक्स हमारी शॉप है, पेमेंट आपने करनी है तो हमें करनी है, हमारे इस नंबर से जो आपको अकाउंट आएगा उस अकाउंट में आपने पेमेंट लगवानी है, और आपको पूरे पाकिस्तान के हर शहर में हम माल भेज सकते हैं, गाड़ी में भी रखवा सकते हैं, कार्गो भी करवा सकते हैं, TCS लैपर्स भी करवा सकते हैं, और कैश ऑन डिलीवरी के थ्रू भी भेज सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।